नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में और मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा। और आप सभी को गोवर्धन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कार्तिक मास में कई सारे त्यौहार पड़ते हैं, जिसमें से कि एक है गोवर्धन का पर्व, जो कि दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है। और आपको बता दूं कि गोवर्धन का बहुत ही सुंदर और स्पेशल मैसेज भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। आप सभी को याद होगी वो कथा जो हमारे शास्त्रों में बताई गई है कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी तर्जनी उंगली पर उठा लिया था और उससे ही सारे जितने ग्वाले थे उनकी रक्षा करी थी। और भगवान श्री कृष्ण ने ये मैसेज भी दिया था कि आपको अपने नेचर को धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उस समय की जो कथा निकल के आती है वो ये है कि भगवान जो वो इंद्र थे, देवराज इंद्र थे, उनकी पूजा न करके आपको गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, जो कि आपको सारी चीज़ें प्रदान करता है। जिस तरह से हमारे आसपास का नेचर है, हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर है, आपको उसको धन्यवाद करना चाहिए। आप गोवर्धन वाले दिन यानी कि आज के दिन में अगर कोई भी वृक्षारोपण करते हैं यानी कि कोई भी पौधा लगाते हैं, तो उससे ज़्यादा लाभकारी चीज़ और कुछ नहीं हो सकती। इसके अलावा आपको बता दूँ कि आज के दिन में अन्नकूट बनाने का विधान बताया जाता है हमारे शास्त्रों में। अन्नकूट का मतलब होता है आप 56 तरह की सब्जियों को मिला करके एक सब्जी उसमें बनाई जाती है, यानी कि उस तरह का प्रसाद बनाया जाता है। और साथ ही में इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न भी है, क्योंकि ये जो समय होता है, देखिए इस रेनी सीजन से विंटर सीजन की तरफ हम बढ़ रहे होते हैं, और इस समय में इस ट्रांसफॉर्मेशन में खासतौर पर आपका इम्यूनिटी लेवल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तो इसी के लिए ज़रूरी है जब वो सारी सब्जियां मिला करके यानी कि जो सीजनल वेजिटेबल्स होती हैं उसको मिला करके जब बनाया जाता है वो प्रसाद के रूप में, तो आप उसे ग्रहण करते हैं, तो हर तरह के विटामिन्स, हर तरह के प्रोटीन्स आपको मिलते हैं, जो कि आपकी इम्यूनिटी पावर को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। तो ये एक साइंटिफिक रीज़न भी है। इसके अलावा जो अन्नकूट का प्रसाद होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में डोनेट करना चाहिए, बांटना चाहिए प्रसाद के रूप में। इससे आपके घर में, आपके जीवन में सौभाग्य बढ़ता है, सुख समृद्धि भी बढ़ती है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि गोवर्धन वाले दिन भगवान श्री कृष्ण की उपासना करी जाती है, उन्हीं के लिए गोवर्धन की परिक्रमा लगाई जाती है। अगर आप गोवर्धन तक नहीं जा सकते तो घर में गोवर्धन का पर्वत बना करके उसकी परिक्रमा ज़रूर लगाएं। गोवर्धन पर्वत किस तरह से बनाया जाता है, या तो आप जो काउडंग होता है, गाय का गोबर जो होता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उपलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है, उसकी सात परिक्रमा लगाई जाती है, और भगवान श्री कृष्ण की आरती के साथ आज के दिन संध्या काल के समय पूजा की जाती है। तो चलिए, गोवर्धन का ये जो पर्व है आप सभी के लिए कल्याणकारी रहे, ऐसी ही कामना रहेगी मेरी। अब बात करते हैं आपकी राशियों की, राशि दर राशि आपको बताऊंगी आज क्या खास उपाय कर सकते हैं, साथ ही में आज के दिन का क्या रहेगा हाल। तो मेष राशि फर्स्ट कार्ड निकल रहा है, टू ऑफ सॉर्ड्स एंड द लवर्स कार्ड निकला है, तो आज के दिन में थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन्स फेस करने पड़ सकते हैं। मे बी किसी का कुछ ना कुछ लोग आपके अगेंस्ट में खड़े हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी एंग्जाइटी लेवल्स बढ़ेंगे। आज के दिन में आपको ध्यान रखना होगा अपने रिश्तों में, खासतौर पर कोई ऐसी बात नहीं कहें जिससे कि आपके रिश्तों पर कोई आँच आ जाए। आज के दिन में उपाय करना है भगवान श्री कृष्ण की उपासना करनी है और उनको पीले रंग के पुष्प अर्पित करने हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप वाइज आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। चलिए बात करेंगे टॉरेंस की, फर्स्ट कार्ड द स्ट्रेंथ एंड द सेकंड कार्ड इज स्टार। तो आज जो सरकारी अहदे से जुड़े हुए हैं, सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए आज मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ सकती है। हालांकि आपके लिए रिलैक्सिंग टाइम भी रहेगा, लेकिन वो टाइम शाम का रहेगा, लेकिन सुबह के समय में टाइम मैनेजमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसी के साथ साथ आप लोगों के लिए फाइनेंसिस को लेकर के थोड़ी सी टेंशन बढ़ सकती है, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे थे, तो आज के दिन अच्छा है, छोटा सा उपाय कर लीजिए। आज भगवान श्री कृष्ण की उपासना करनी है, साथ ही में केसर युक्त खीर का उनको भोग लगाना है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए फर्स्ट कार्ड टेन ऑफ पेंटाकल्स एंड द मैजिशियन, दैट मींस यू हैव दैट क्रिएटिव पावर्स टुडे, यानी कि कला और कला के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा समय, आपको अपॉर्चुनिटीज ज़रूर मिलेंगी। इसी के साथ टेन ऑफ पेंटाकल्स दैट मींस कि आप लोगों के लिए जो एक तालमेल बनाते आ रहे थे अभी तक आप अपने सीनियर्स के साथ, उसमें थोड़ा सा डिसबैलेंस हो सकता है। साथ ही में जो शाम का वक्त रहेगा वो किसी पार्टी में, किसी ओकेजन में आप बिजी हो सकते हैं। इसके अलावा आज सेहत का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, छोटा सा उपाय कर लीजिए। आज के दिन में आप चंद्रमा को अर्घ तब देंगे जिस समय पर चंद्रमा उदय होगा, और साथ ही में आज सफ़ेद रंग की चीज़ों का दान करना, चीनी चावल खाने की चीज़ों का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा।
इंश्योरेंस के लिए फर्स्ट कार्ड निकल रहा है 8 of Swords एंड द जस्टिस। तो आप लोगों को आज बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आप अपने कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई बहुत बड़े अमाउंट की ट्रांजैक्शन आज नहीं करनी है। इसके अलावा आज के दिन में अगर आप कोई प्रॉपर्टी या कोई व्हीकल खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, उसके लिए भी कुछ समय के लिए रुक जाइए, क्योंकि आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है आप लोगों के लिए। 8 of Cups दैट मीन्स कोई भी रिश्ते में कोई दरार अगर आ गई है, किस तरह के डिस्प्यूट्स अगर पड़ गए हैं, तो आज उसे बेटर करने के बारे में सोच सकते हैं। उसके लिए इनिशिएटिव्स आपको लेने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा आप बातचीत करने का प्रयास आज ज़रूर करें कंसर्न पर्सन से। आज के दिन में आप लोगों को उपाय करना है, रोज क्वार्ट्स का क्रिस्टल अपने घर में ला करके उसे घर के ईस्ट डायरेक्शन में रखना है। लियोस की बात करते हैं। लियोस के लिए फर्स्ट कार्ड 7 of Swords एंड द सेकंड कार्ड इज पेज ऑफ कप्स। आज का दिन जो है खासतौर पर स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, और जो लोग लॉ के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और ख़ासतौर पर सरकारी नौकरी वाले जो लोग हैं, उनके लिए भी टाइम काफ़ी अच्छा रहेगा। बस ध्यान आपको इस बात का रखना है कि बहुत जल्दी जल्दी बदलाव नहीं करने हैं। अगर ऑलरेडी कुछ लोग जो हैं वो जॉब को चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, तो कुछ समय के लिए आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि इस समय पर चेंजेस करना अच्छा नहीं है। उपाय करना है आज संध्या काल के समय, शाम के समय आपको किसी भी मंदिर में जाकर के जो पुजारी जी हैं उनको खड़ाओं का दान करना है। वर्गोस के लिए फर्स्ट कार्ड द टेम्पल एंड द सेकंड कार्ड इज 3 of Swords। तो आप लोगों के लिए आज कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा रह सकती हैं। इसी के साथ साथ कोई भी काम को करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उसको पहले से प्लानिंग्स के साथ कीजिए, क्योंकि अचानक से अगर आप किसी भी कार्य की शुरुआत करेंगे तो वो काम आपका पूरा नहीं हो पाएगा, उसमें कुछ ना कुछ डिलेज ज़रूर आएंगे। आज दूसरे लोगों की मदद आपको करनी पड़ सकती है, लेकिन इसी के साथ साथ अपने काम के लिए भी समय ज़रूर निकालना पड़ेगा। सेहत का ध्यान रखना होगा, आज के दिन का उपाय ये रहेगा, क्योंकि आज गोवर्धन का दिन है, तो जितने लोगों में हो सकता है अन्न का दान करना आपके लिए अच्छा है। लिब्रंस के लिए फर्स्ट कार्ड द हर्मिट एंड द सेकंड कार्ड इज 9 of Wands। तो व्यापारी जो हैं व्यापार को शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, तो दिन अच्छा है। खास तौर पे आप लोगों के लिए अगर पार्टनरशिप में कोई भी काम करते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। इसी के साथ काम भी बहुत अच्छे से आपका स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ेगा। आज के दिन में यात्राएं करना अच्छा रहेगा, और किसी भी धार्मिक स्थल पर यात्रा करना आपके लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन इसी के साथ आपको बता दूं कि जितना डोनेशंस देंगे आज, वो आपके लिए, वो आपके कामकाज में एक तरह से बढ़ोतरी लेकर के आएगा। तो हो सके तो खाने का जो पदार्थ होता है, खाने की जो चीज़ें होती हैं, वो किसी धार्मिक स्थल पर, किसी मंदिर में जाकर के आप दान ज़रूर कीजिए, या अगर कोई नीडी पर्सन आपको मिल जाता है उसको ज़रूर आज दान कीजिए। बात करेंगे स्कॉर्पियोज़ की। आप लोगों के लिए कार्ड निकल रहा है द सन एंड द सेकंड कार्ड इज किंग ऑफ वॉन्स। तो स्कॉर्पियोज़ जो हैं वो बहुत सोच समझ कर चलें आज लोग, और ख़ास तौर पे कुसंगति से बचने का प्रयास करें। इसके अलावा आपको बता दूं कि आज किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी से डिटैच करने का प्रयास करना है, या कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा थॉट जो आपके दिमाग में बहुत पहले से है, पास्ट से है, और वो एक तरह की नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपको करता जा रहा है, तो उससे आपको डिटैच करने का समय है। कोशिश कीजिए आप अपने ड्रीम्स को ज़रूर फॉलो करें। स्कॉर्पियोज जो हैं आज फोकस से थोड़ा सा भटक रहे हैं, इसलिए आप अपने एम को टारगेट करके चलेंगे तो बेहतर रहेगा। आज के दिन में संध्या काल के समय भगवान श्री कृष्ण की आरती करने के बाद जो है प्रसाद ज़रूर ग्रहण करें। धनु राशि वाले लोगों के लिए फर्स्ट कार्ड द एम्परर एंड द सेकंड कार्ड इज जजमेंट। तो आज सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा धनु राशि वालों को। इसके अलावा सिर दर्द से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स, आईज से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं, या फिर साइनस जिन लोगों को है उन लोगों को खास तौर पे ध्यान रखना है। आज अगर किसी से लोन्स लेने के बारे में सोच रहे हैं, कर्जा लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो आज के दिन को अवॉइड करेंगे। कोशिश करेंगे कि आप कोई बड़ा अमाउंट का ट्रांजैक्शन भी नहीं करना है। व्यापारियों के लिए हालांकि अच्छा समय है, क्योंकि आप लोगों के लिए किसी भी काम को अगर शुरू करने के बारे में सोचते हैं, कोई डील आज फाइनलाइज करने के बारे में सोचते हैं, ध्यान दीजिएगा ट्रांजैक्शन नहीं, सिर्फ डील आप पेपर्स पे, डॉक्यूमेंट्स पे साइन करने के बारे में सोच रहे हैं, उसके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। इसी के साथ शाम के समय, संध्या काल के समय तुलसी में दीपक जलाना, जिस समय पर आप गोवर्धन की पूजा करेंगे तुलसी में दीपक ज़रूर जलाइए। के लिए फर्स्ट कार्ड 10 of Pentacles एंड द मजिशियन। दैट मींस यू हैव दैट क्रिएटिव पावर्स टुडे, यानी कि कला और कला के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा समय, आपको अपॉर्चुनिटीज ज़रूर मिलेंगी। इसी के साथ 10 of Pentacles दैट मींस कि आप लोगों के लिए जो एक तालमेल बनाते आ रहे थे अभी तक आप अपने सीनियर्स के साथ, उसमें थोड़ा सा डिसबैलेंस हो सकता है। साथ ही में जो शाम का वक्त रहेगा वो किसी पार्टी में, किसी ओकेजन में आप बिजी हो सकते हैं। इसके अलावा आज सेहत का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। छोटा सा उपाय कर लीजिए, आज के दिन में आप चंद्रमा को अर्घ तब देंगे जिस समय पर चंद्रमा उदय होगा, और साथ ही में आज सफ़ेद रंग की चीज़ों का दान करना, चीनी चावल खाने की चीज़ों का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा।
कुंभ राशि वाले लोगों के लिए फर्स्ट कार्ड निकल रहा है फोर ऑफ पेंटाकल्स एंड द सेकंड कार्ड इज हेरोफेरेंट। तो आज के दिन में जो आपकी गुरुजन है वो आपको कुछ ना कुछ दीक्षा ज़रूर देंगे। इसके अलावा फोर ऑफ पेंटाकल्स दैट मीन्स स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, लेकिन आपको काफ़ी हद तक प्रयास करना पड़ेगा कि आप अपने काम में डिले नहीं आने दें, यानी कि किसी तरह की रुकावट या किसी तरह का डिले अगर आता है तो वो काम आपका वहीं पर ही स्थगित हो जाएगा। तो इसके लिए प्रयास करना होगा कि कॉन्टिन्यूएशन में चीज़ें चलती रहें। साथ ही मैं आपको बता दूँ कि रिलेशनशिप्स के हिसाब से अगर आज का दिन देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। हालांकि आप अपनी तरफ से प्रयास पूरा करेंगे लेकिन आपको सामने वाले की तरफ से रिस्पॉन्सेज नहीं मिल पाएंगे। तो इसके लिए उपाय क्या करेंगे, आज के दिन में गूगल जला करके उसकी धुनी देनी है संध्या काल के समय, शाम के समय, पूरे घर में, इससे नेगेटिव एनर्जीज खत्म होंगी। चलिए बात करेंगे मीन राशि, पेज ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड निकल रहा है। तो टेन ऑफ स्वॉर्ड्स आपसे ये कह रहा है कि आज काम में जो भी अड़चने आ रही हैं उसे बहुत ही आसानी से आप खत्म कर पाएंगे, लेकिन आप जो प्लानिंग्स आप करते आ रहे थे उसको पूरा करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, उसमें इम्प्लीमेंटेशन करने में कुछ समय लग सकता है। दैट मीन्स आज के काम में जो है आपके कुछ डिलेज दिखाई दे रहे हैं। साथ ही में शाम का समय आपकी सेहत को बिगाड़ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा अपने खाने पीने की चीज़ों में, बाहर का खाना अवॉइड करना है। आज के दिन में किसी भी मंदिर में जा करके आप लोग खड़ाऊ का दान करेंगे, साथ ही में जो पुजारी जी हैं उनको वस्त्र का दान करना बेहद लाभकारी रहेगा आपके लिए। इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात और कल भी बात करेंगे ऐसे ही आपकी राशियों के बारे में। और कल भैया दूज का त्यौहार है, बताऊंगी आपको कुछ खास उपाय भाई बहन के रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और जुड़े रहिए एस्ट्रो तक के साथ। नमस्कार।